बेहतरीन रिपोर्ट है इंडिगो पर और इस पर हम दो शॉर्ट कॉल स्ट्रेट ट्रैक कर रहे हैं पिछले दो दिन से सुमित जी बताइए क्या कहता है सिटी बैंक देखिए ये दोनों तरह से कंपेयर करें पहले एच पहले बी की वो पॉजिटिव रिपोर्ट जो कि स्पाइस जेट के लिए थी जिसमें उन्होंने अस्सी रुपए के टारगेट दिए थे ये एक पार्ट हो गया साइड की रेटिंग थी अब इंडिगो में एक सेल की रेटिंग आई है सिटी की उन्होंने टारगेट तो बहुत ज़्यादा चौदह सौ के, के टारगेट दिए हैं लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि उनकी कमेंट्री बहुत ज्यादा बियरिश साइड पर है उन्होंने बात बोली कि तिरतालीस परसेंट निफ्टी चला है मार्च से लेके अब तक या जो भी हाल की तेजी थी उसके सामने इंडिगो सत्तर चल चुका है

सेल की रेटिंग और ये न्यूट्रल से घटा के सेल की रेटिंग है तो शायद इसका इंपैक्ट भी आता हुआ दिखाई पड़े तो देखिए

रेटिंग दे रहे हैं मैक्वेरी की तरफ से रिपोर्ट आई है अभी इन एस्टल पॉली पर भी बातचीत करी हर्षदा ने कि नए कारोबार में उतर रहे हैं वाटर टैंक्स के इन्वेस्टेक ने एक रिपोर्ट निकाली है टारगेट 1530 रुपए के दिए हैं उसमें कमेंट्री अच्छी है कि कंपनी ने इक्यावन करोड़ रुपए में ये करीब श्री प्रभु करके एक छोटी कंपनी उसके एसेट खरीदने जा रही है उन एसेट्स को खरीदने के बाद कंपनी इस कारोबार में और ज्यादा एक्सपैंड कर सकती है वाटर टैंक कारोबार कंपनी के लिए बेहतर कारोबार है अच्छे मार्जिन वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं और वो मार्जिन के चलते कंपनी के नंबर थोड़े बेटर रहेंगे और इस कारोबार में वाटर टैंक कारोबार में याल पॉली की बात हो रही है वाटर टैंक कारोबार में कंपनी के मार्जिन जो है वो ज्यादा बेहतर रहेंगे तो आप उसके ऊपर भी नजर रखें पॉजिटिव साइड पर ब्रोकर इस खबर को देख रहे हैं और एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो है आई टी सी उपर, के ऊपर ऑब्वियस सी बात है बड़े लंबे अंतराल के बाद शेयर चला है तो सीएलएसए ने फिर से एक रिपोर्ट निकाली है दो रुपए के टारगेट वो आईटीसी के अंदर देख रहे हैं उन्होंने बिजनेस के ऊपर किया सिगरेट कारोबार को साइड रख के उन्होंने लेकिन आने वाले समय में कैश फ्लो और स्ट्रांगली जनरेट होगा और ये हालिया गिरावट जो देखी गई है एक सौ साठ सौ सत्तर की रेंज में जब ये शेयर आया था उसके बाद से इसकी री रेटिंग गुंजाइश बहुत प्रबल हो गई है तो इस हिसाब से वो तेजी देख रहे हैं दो सौ पैंतीस रुपए के टारगेट आई टी सी में चलिए मेरे